नमस्कार दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रणबीर कपूर की फिल्म 83 की, जो कि सुपर फ्लॉप साबित हुई। सबसे बड़ी बात ये कि ये फिल्म इतनी सुपर फ्लॉप कैसे साबित हो गई, क्योंकि इस फिल्म में काफ़ी बड़े एक क्रिकेटर, उनके जीवन पर आधारित ये फिल्म है, लेकिन ये फिल्म पूरी की पूरी डब्बे में बंद हो गई और जितनी उम्मीद थी उसका 10% भी उन्हें मुनाफा नहीं हुआ। मैं आपको आज उसकी कुछ वजहें बता रहा हूँ। एक तो दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर की ये करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ इस फिल्म में, और बॉक्स ऑफिस पर ये पूरी की पूरी तरीके से पस्त हो गई ये फिल्म, क्योंकि रणबीर कपूर ने इस फिल्म के प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट होता उसमें हिस्सा लेने का उनका प्लान था और उनका ये बिजनेस था कि जो भी प्रॉफिट होगा उसमें उनको भी हिस्सा मिलेगा, लेकिन कहानी ख़त्म हो चुकी है। और आपको पता ही है कि किस प्रकार से सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ने इस फिल्म का विरोध किया, क्योंकि काफ़ी मजाक उड़ाया गया था सुशांत सिंह राजपूत का रणबीर कपूर के द्वारा। और इस फिल्म को जो बनाया गया था वो एक क्रिकेटर कपिल देव है, उनके जीवन पर आधारित है ये फिल्म, लेकिन ये चल नहीं पाया। और फिल्म के मुताबिक रणबीर कपूर को करीब 20 करोड़ रुपए फीस के तौर पे अभी और देने थे, जो अब उन्हें नहीं मिलेगा। रणबीर कपूर को काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है, 20 करोड़ रुपए उनको फीस चाहिए था लेकिन वो नहीं मिलेगा, क्योंकि इस फिल्म के डायरेक्टर कबीर खान और जो भी इस फिल्म के विष्णु वर्धन इंदूरी हैं उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। और इस फिल्म के जो कारण है फ्लॉप होने का, म्यूजिक में नहीं है दम, कैरेक्टर को ठीक से एस्टैब्लिश नहीं कर पाना, फिल्म के डायलॉग्स में भी नहीं है दम, मेकअप ने भी किया निराश। फिल्म का बड़ा बजट 300 करोड़ रुपए का ये बजट, और इसको प्रॉफिट में आने के लिए 300 करोड़ से ज़्यादा क्रॉस करना था, जो कि वो भी नहीं कर पाया। टारगेट पूरी तरीके से फेल हो गया, प्रमोशन प्लान बिगड़ गया इस फिल्म को लेकर के। टीम UAE और दुनिया के दूसरे हिस्सों में गई, बहुत सारे देशों में गई, लेकिन प्रमोशन के लिए TV और मीडिया के दूसरे माध्यमों का वैसा इस्तेमाल करने से प्रमोशन और मार्केटिंग टीम ने भारी गलतियां की, जिसके कारण इस खामियाजा को भुगतना पड़ेगा प्रोड्यूसर्स को। और वैसे तो कहावत है कि आदमी की सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ही बात उल्टी हो गई। दीपिका पादुकोण, जो कि JNU के अंदर प्रदर्शनकारियों से मिलने गई थी और उनका सपोर्ट किया था, तो उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जिसके कारण से भी यह फिल्म असफल हुई। और दूसरा बात यह है कि दीपिका का नाम ड्रग्स केस में भी आना है, कि एक सुशांत सिंह राजपूत के बड़े फैंस, जो कि अपने बलबूते पे बहुत कुछ कर सकते हैं, उन्होंने भी बहिष्कार का नारा दे दिया था, जिसके कारण से यह फिल्म बिल्कुल ही फ्लॉप साबित हो गई और रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण को खासा नुकसान झेलना पड़ा।